हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन को और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, अब आज के इस लेक्चर में आप क्या लेके आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15। तो आइए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन बड़े ही मजेदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। अब इसकी वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है भैया, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, यहां पर अगर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है तो यहां पर हमें मदद लेनी पड़ेगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां पर कौन सी लगने वाली है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो ना, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, और तीनों का क्या है, क्यूब है। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है सर। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, अरे वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सुना है कहीं कहीं? सुना है सर। अब सर इसमें एक खासियत भी होती है। क्या खासियत होती है भैया? अगर यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो होता है, ध्यान से समझना, अगर यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो होता है तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया, मतलब ये पूरा जीरो हो गया, और जब ये जीरो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, यहां पे पूरा ही जीरो हो जाएगा। अब इतना तो हो गया। अब जब इक्वल टू में जीरो हो गया तो माइनस का 3abc राइट साइड में चले जाएगा। ध्यान से समझना, माइनस का 3abc राइट साइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, ठीक है। लेकिन कब, जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना हो, जीरो हो, बस इतना ध्यान रखना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे की, और आगे हमें बात क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से समझो। आइडेंटिटी तो पता चल गई, अब सर इसको लेके आओ यहां पर, ठीक है भैया, इसको लेके आ जाते हैं हम लोग यहां पर। क्या है, 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब और प्लस आपके पास कितना है, 50 का क्यूब। ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब होना चाहिए, तो पहले तो कंपेयर करो ए बी सी कितने हो जाएंगे। ए आपके पास सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 25। ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 25। बी सीधा सीधा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस का 75। बी कितना हो जाएगा, माइनस का 75। सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 50। अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक बार निकाल के देख लेते हैं यार, इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्यों लगाएंगे, हम लोग एक बार निकाल के देख लेते कि हो सकता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता हो। अगर जीरो हो जाएगा तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc लिख देंगे, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। ए 25 है, बी माइनस का 75 है और सी 50 है। 50 और 25, 75, 75 माइनस 75, देखो 50, 25, 75, 75 माइनस 75 कितना, जीरो।
बहुत ही ज्यादा आसान दी से आ गया। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हो, 3abc लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आप 25 के क्यूब को माइनस 75 के क्यूब को प्लस 50 के क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय माइनस का b मल्टीप्लाई बाय c। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग मुझे कहां पर बताने वाले हो, सर कमेंट सेक्शन में बता देंगे, है ना। इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग कहां पर बता दोगे, कमेंट सेक्शन में, वही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, समझ गए बात को बढ़िया तरीके से, पक्का ना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सर। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आ गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सर इसको फैक्टराइज करो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब एक एक करके क्यूबिक एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम लोग इसको पीछे करेंगे और इसका क्वेश्चन हम लोग यहां पर लिख लेंगे। चलो, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस में 6xy स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब आगे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, काहे की a माइनस b के होल क्यूब की, काहे की भैया a माइनस बी के होल क्यूब की, लगाना सिखाता हूं, डोंट वरी, घबराओ मत। बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, अरे वही a माइनस बी के होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको देखो बड़े प्यार से मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं समथिंग कुछ ऐसा लिख रहा हूं, लिख सकता हूं क्या, अरे क्यों नहीं लिख सकते हो किशोर सर, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। 8x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर बराबर, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, क्या लिख सकते हैं, यहां पर a का होल क्यूब है तो यहां पर भी कोई एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करे तो 8x क्यूब आए, यहां पर a का होल क्यूब है तो यहां पर भी एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करे तो 8x क्यूब आए। तो मैंने सोचा भैया आ जाओ, यहां पर एक ऐसा नंबर का क्यूब करना है जब मेरे को 8 तो मिले, एटलीस्ट x क्यूब की मत सोचो, अभी 8 मिलना चाहिए, अभी मुझे क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो आ जाओ, अब सर ऐसा नंबर तो 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, नहीं 1 नहीं है तो 2 होगा सर, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, हाँ सर क्या होगा, 2 होगा सर। अब यहां पर तो x भी है तो यहां पर लगाओ x, तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, बात क्लियर हो गई क्या, पक्का ना, अरे क्यों नहीं होगी, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो यहां पर हमने इसको क्या बनाया, 2x का होल क्यूब माइनस b, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात, a समझ में आ गया ना 2x है, b समझ में आ गया ना y है, तो देखो माइनस 3 a का स्क्वायर है मतलब 2x का स्क्वायर होगा भैया, इंटू y है इंटू b है, b तो हमारे पास y है। हम क्या कर रहे हैं,
हम इसी को फैक्टराइज कर रहे हैं, हम इसी को इसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हम इसी को इसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हम इसी को फैक्टराइज करके इसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। अब ए जो मुझे समझ में आया वो यहां से आया 2x और बी जो आया वो आया वाई, तो 3a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3ab स्क्वायर, a है 2x और b है y का स्क्वायर। तो उस हिसाब से अब देखो बहुत ज्यादा ध्यान से, 2 का 2 3 का 6 xy स्क्वायर, 6xy स्क्वायर आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, यही है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल क्यूब। सिंपल से ये क्या हो गया आपके पास फैक्टराइज हो गया। आपको सिंपली बस बताना होता है क्या कि a और b आपके पास क्या है, a आपके पास क्या है और b आपके पास क्या है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया था आपके पास a और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया था आपके पास b और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया था आपके पास 3 a स्क्वायर b और ये हो गया था आपके पास 3 ab स्क्वायर। तो वो हो गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, सीधा सिंपल, सीधा सिंपल वही काम किया और कुछ भी काम नहीं किया। एक बार जल्दी से देख लो, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया और लिख दिया 2x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। क्या लिख दिया 2x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है सर। तो ये बात तो खत्म हो गई कि इसको हमने क्या लिख दिया 2x माइनस वाई का होल क्यूब लिख दिया। अब सर ये वाला क्वेश्चन करके देख ले, क्या मैंने बोला करके देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 27q का क्यूब माइनस 125p क्यूब माइनस 135q स्क्वायर p प्लस 225qp स्क्वायर, कर लेते बहुत आसान है, आ जाओ। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने आए तो क्वेश्चन हमारे पास है 27q का क्यूब 125p क्यूब माइनस 135 क्यू स्क्वायर पी प्लस 225 क्यू पी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है सर मेरे को तो। अब आ जाओ बात करते हैं, आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, देखो भाई वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना, वही सेम टू सेम आइडेंटिटी लगने वाली है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, एक बढ़िया मस्त सा पेन लेते हैं आप लोगों के लिए और शुरू हो जाते हैं। देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आइडेंटिटीज भी परफेक्ट होती जाएंगी और सारी चीजें दिमाग में बैठती भी जाएंगी। जितने ज्यादा 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 क्वेश्चन करते जाओगे ना उतना दिमाग खुलता जाएगा, उतने मैथ्स में परफेक्ट होते जाओगे। मैथ्स का मतलब ही यही है, पहले कंसेप्ट समझ लो दुनिया भर का कि क्या है पूरे चैप्टर में जो लग रहा है, तो उसके बाद फिर शुरू हो जाओ और फिर एंड ही मत हो। क्वेश्चन की कोई एंड ही नहीं है यहां पर, अगर बात करें हम मैथ्स में 9th-10th में तो कोई एंड ही नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अरे खुद का भी क्वेश्चन बनाओ डालो, ठीक है। चलो आइडेंटिटी कौन सी है अपने पास, ए क्यूब, अच्छा चलो ऐसे लिखता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब समझ में तो आने लगा होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री समथिंग कुछ ए स्क्वायर बी होगा, जैसे ए क्यूब है तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। कच्चा पक्का समझ में आ रहा है ना तो वही आइडेंटिटी लगा दो। अब यहां पर एक बात समझा, यहां पर हमें ये जो है ना ये हम इसको राइट साइड में भेज रहे हैं। अब इससे पूछ रहे हैं भैया आपको राइट साइड में कैसा लग रहा है,
ये बोल रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं राइट साइड में नहीं आता तब तक तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। अब देखो 27q का क्यूब माइनस 125p का क्यूब माइनस 135q² p प्लस 225qp² को आप क्या लिख सकते हो? पहले तो सेट करते हैं, a का होल क्यूब है, a का होल क्यूब है, यहां पर हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका होल क्यूब करें तो हमारे पास 27 आए। हमें यहां पर क्या करना है, ऐसे नंबर का होल क्यूब करना है जो क्या आए, 27 आए। सर 2 का क्यूब करें क्या, 2 2 4 2 8 नहीं आ रहा सर, तो मैंने बोला 3 करूं क्या, तो देखो 3 3 9 3 27 आ रहा है। अब 27 आ रहा है और अंदर क्या रख दे, क्यू रख देते हैं, तो 27q का क्यूब हो जाएगा। बात हो गई क्लियर, 27q का क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या रखा, यहां पर हम लोगों ने रखा 3q का होल क्यूब माइनस। अब हम लोगों को बी भी ढूंढ लेते हैं, सिर्फ क्या ढूंढ लेते हैं, बी ढूंढ लेते हैं। तो बी हम लोगों को कैसे मिलेगा, यहां पर कोई एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा, यहां पर कोई एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करें तो हमारा 125p का क्यूब आए। कोई एक ऐसा नंबर जिसका होल क्यूब करने पर 125p का क्यूब आए, तो लो भैया कोई एक ऐसा नंबर जिसका होल क्यूब करने पर 125 तो आए, चलो एटलीस्ट अभी 125 है। 3 का क्यूब करा तो 3 3 9 3 27 हुआ, नहीं चलेगा। 4 का क्यूब किया तो 4 4 16 16 4 64 हुआ, नहीं चलेगा, 125 चाहिए। तो 5 का क्यूब करते हैं, 5 5 25 25 5 125, बिल्कुल हो रहा है। क्या करना है, 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 125 और यहां पर लिख दो p, तो ये हो जाएगा 5p का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगेगा क्या, कि भैया हमें a मिल गया 3p, हमें a मिल गया 3q और हमें b भी मिल गया 5p, b भी कितना मिल गया 5p। अब बैठा दो सबको, ये हो गया 3 a का स्क्वायर, a का स्क्वायर बोले तो 3q का होल स्क्वायर इंटू बी, बी आपके पास 5p। अब आप लोग इससे ये लेके आ सकते हो, चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 इंटू 5 आपके पास हो जाएगा 135। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पी, ठीक है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए है आपके पास 3q और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 5p का होल स्क्वायर। अब समझो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 225qp² आएगा, देख लो करके, 3 3 9 और 5 5 25, 25 9 225 होता है और qp² आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, ये लिख दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कितना होता है, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। अब हमने क्या करा, इसी की मदद से इसको a और b के फॉर्मेट में इसलिए बनाया ताकि हम a और b का पता लगा सके। तो a तो हमारे पास उस हिसाब से आ गया 3q और b आ गया हमारे पास 5p। तो सीधा सिंपल क्या लिखना है, a और b आ रहा है तो लिख दो a जो कि आपके पास 3q माइनस b, b है 5p का होल क्यूब, हो गया a माइनस b का होल क्यूब। अरे देख लो ना, फैक्टराइज फॉर्म में ही तो लिख दिया, अब इसके फैक्टर्स भी लिखूं क्या, देखो देखो देखो, तीन बार लिख दो, क्या हो गया 3q माइनस 5p, 3q माइनस 5p, 3q माइनस 5p। ये इसको हमने कैसे में लिख दिया, इसके फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया, तीन फैक्टर आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे, क्यूबिक है, क्यों नहीं आएंगे, क्यूबिक है, तीन फैक्टर तो आएंगे ना, समझ गए बात को, ये क्या हो गए सारे इसके फैक्टर्स हो गए। एक बार बहुत ज्यादा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया क्या, आगे बढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे की ओर चले तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जब इसको हमने फैक्टराइज किया तो इसके पास क्या आया, इसका आंसर आया हमारे पास 3q - 5p³। माइनस वाली क्यों लगी, क्योंकि माइनस माइनस है। अब इसको करके देख ले क्या, चलो इसको करके देखते हैं। थर्ड वाला मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी उड़ा देते हैं हम लोग, 8x³ + 729। प्लस 108x² प्लस 486x, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना आप लोग, सॉल्यूशन तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन एक बात, ये कहीं ना कहीं a का क्यूब हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं b का क्यूब हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं 3a² भी हो रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं 3ab² हो रहा होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली, वही a + b³ की क्या होती है सर, a³ + b³ + 3a²b + 3ab² ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज तो करना है, लेकिन आप खुद समझना एक बात, अब ये जो है ना इसको मैं क्या कर रहा हूं, राइट साइड में कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया बराबर। अब इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, क्यों नहीं सर, 8x³ + 729 + 108x² + 486x बराबर, देख लेते हैं कि कितना होता है। सर कहीं ना कहीं ये a का क्यूब है, तो सर यहां पर हमें कोई एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका क्यूब करने पर 8x³ आ रहा हो, यहां पर हमें कोई एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर 8x³ आ रहा हो, क्योंकि यहां पर a चाहिए अपने को। और आप ऐसा मत समझना सर कि a आपके पास सीधा सीधा 8x हो जाएगा, नहीं, a 8x नहीं है, a 8x नहीं है, आपको यहां पर एक नंबर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर 8x³ होता हो। तो मैंने बोला ठीक है कोई एक नंबर ले लूंगा जिसका क्यूब करने पर कितना आता हो, 8x³ तो नहीं, अभी 8 आता हो, तो एक ऐसा नंबर है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 2 × 2 = 4 × 8, ठीक है, तो ये हो गया 2 का क्यूब। अब यहां पर x का भी क्यूब है तो मैंने लिख दिया x, तो देखो 2x का होल क्यूब करूंगा तो 2 × 2 = 4 × 8 x³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 2x का होल क्यूब, 729 चाहिए, कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर 729 होता होगा। अब देखो आप लोग क्या बना पाओगे, सर 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216 नहीं होता सर, जहां तक है 7 का भी नहीं होगा, 8 का भी नहीं होगा, 9 का होगा। मैंने बोला कैसे, सर देखो 9 × 9 = 81 और 81 के पीछे 1 आता है, 1 × 9 = 9, अच्छा कहीं ना कहीं आपने जोड़ा मोड़ा होगा, समझ गए। एक बार करके देख लेते हैं, 9 का क्यूब मतलब 9 × 9 × 9, 9 × 9 = 81 × 9, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, सही बोल रहे थे यार आप लोग, तो किसका होता है ये, 729 का होता है, तो 9 का क्यूब। अब जब हम लोगों ने 9 का क्यूब लिखा है ना, प्लस अब हमें a और b पता चलने लगा, a और b अब हमें पता चलने लगा, देखो 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 a कितना है, a कितना है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो a तो हमारा 2x आ गया, और b कितना है सर, b तो आपके पास फिर ऐसे 9 आ गया,
बी तो फिर 9 आ गया है ना, ठीक है। ए और बी आपको पता चल गया, ए और बी आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। अब आगे की बात, अब इसको इस हिसाब से पूरे को सेट कर दो। कैसे कर पाएंगे, मैंने बोला ध्यान से देखो ना, ये लिखो 3 ए स्क्वायर, अब इसके हिसाब से ए कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू बी कितना है 9 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 लिखो ए लिखो 2x इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ताली देते जाओ बीच बीच में, बढ़िया मजा आ रहा होगा। तो चलो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, चेक करना पड़ेगा सर, मैंने बोला कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 x स्क्वायर आ रहा है, 9 9 जा 81 और 2 3 जा 6, 81 इंटू 6 6 1 जा 6, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 486 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है भैया करेक्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से a प्लस बी का होल क्यूब होगा, a है आपके पास 2x और b है आपके पास 9, इसका क्या होल क्यूब। अब इसके भी फैक्टर्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो आ गया 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 और 2x प्लस 9, ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स है, ये क्या है भैया, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स है मतलब इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया, क्या लिखा 2x प्लस 9 का होल क्यूब, क्या लिखा 2x प्लस 9 का होल क्यूब। एक बार जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए बात को, हो गया ये, ठीक है सर हो गया। अब एक बार आप लोग ना अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला जल्दी से ट्राई करो। तो अब इसको समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब प्लस 8 जेड क्यूब माइनस 36 एक्स वाई जेड। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, देखो 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 कैसे होगा ये, यहां पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब प्लस हमारे पास 8 जेड क्यूब माइनस आपके पास 36 एक्स वाई जेड, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब आप लोग जरा सा खुद से सोचो कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, मेरे हिसाब से तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 xyz वाली लग रही है। तो इसको हम, क्योंकि xyz ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे एबीसी से। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली। क्या होती है सर, x मतलब ए बी सी में लिख रहे हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, समझ गए बात को, बड़े ही बढ़िया तरीके से लिख लूं क्या, लिख लीजिए सर। चलिए तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी तो हम बहुत बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब सर इसको उठाओ और इसके नीचे बैठाओ, ठीक है भैया, इसको उठाता हूं इसके नीचे बैठाता हूं, तो उस हिसाब से हो जाएगा ये मेरे पास x का क्यूब प्लस 216 y क्यूब प्लस 8 z क्यूब
माइनस 3abc की जगह पे क्या आ जाएगा 36xyz बराबर कितना होगा वो समझ लेते हैं। अभी पहले एक बात और समझो, यहां पर a है, यहां पर x है, a का क्यूब है, x का क्यूब है, मतलब a कितना हो गया x हो गया, a बराबर कितना हो गया हमारे पास x हो गया, ठीक है। यहां पर b का क्यूब है, यहां पर 216 अलग नंबर है और y का क्यूब है, तो हमें यहां पर कोई एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर 216y³ आता हो। मेक श्योर यहां पर हमें एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर 216y³ आता हो, तो हम डायरेक्टली उसको कंपेयर कर लेंगे b के साथ। समझना बात को, यहां पर कोई एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका होल क्यूब करने पर, चलो अभी 216 आता हो, अभी सिर्फ और सिर्फ 216 आता हो, तो सर 3 का क्यूब किया, 3 3 3 9 3 27 हुआ सर, 4 का क्यूब किया, 4 4 16 4 64 हुआ सर, 5 का क्यूब किया, 5 5 25 25 5 125 हुआ सर, 6 का क्यूब किया, 6 6 36 36 6 216 सर 6 का क्यूब होता है, वो क्या होता है 6 का क्यूब होता है। अच्छा यहां पर y भी तो है, तो ये लिखा सर y आपने, तो y का क्यूब हो गया सर y क्यूब, मतलब मुझे 216y³ कब मिलेगा, जब मैं 6y का क्या करूंगा होल क्यूब करूंगा, ठीक है सर। तो इधर बहुत ज्यादा ध्यान से आप बात को समझना, बढ़िया तरीके वाला पेन ले लेता हूं आपके लिए, यहां पर x का होल क्यूब करा प्लस यहां पर मैं क्या कर रहा हूं 6y का होल क्यूब कर रहा हूं, 6y का होल क्यूब कर रहा हूं। आगे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर भी मुझे एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर 8z³ आता हो, क्या आता हो, यहां पर मुझे एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर, चलो अभी 8 आता हो, तो सर सिंपल है 2 का क्यूब होता है सर 8, ठीक है, और z लिख दो सर आप, क्योंकि z का क्यूब हो जाएगा सर आपके पास z³। बात समझ में आई पक्का, बढ़िया तरीके से, तो यहां पर आ गया सर 2z का होल क्यूब। अब कुछ नहीं है, अब आपको a दिखने लगेगा, b दिखने लगेगा, c दिखने लगेगा, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। a आपको दिखने लगा x, b आपको दिखने लगा 6y, b आपको दिखने लगा 6y, c आपको दिखने लगा 2z, c आपको दिखने लगा 2z बस, और a आपको दिखने लगा x। अब यहां पर जहां 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 पर a b c है वहां वहां पर आप डाल दो a की जगह x, b की जगह 6y और c की जगह 2z, सिंपल है पक्का, दो ताली दो वहीं से, ठीक है। अब ये हो गया a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc, abc की जगह क्या डालोगे, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, a की जगह पे x, b की जगह पे 6y, c की जगह पे 2z, डन। माइनस 3 a की जगह पे x, b की जगह पे 6y और c की जगह पे 2z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, x प्लस 6y प्लस 2z, ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 6y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर बोले तो 2z का होल स्क्वायर, माइनस ए बी बोले तो माइनस का 6xy, माइनस बी सी बोले तो सिक्स टू जेड 12yz, ठीक है, माइनस सी ए बोले तो माइनस का 2xz, सिंपल सी बात पक्का, आ गई समझ में। एक बार और भले चेक करना तो एक बार और चेक कर लो, हालांकि सब कुछ सही है, देखो बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इसको चेक करवाता हूं कि ये 36xyz आ रहा है नियर। आप खुद सोचो, x³ 6y का होल क्यूब करेंगे तो 216y³, 2z का होल क्यूब करेंगे तो 8z क्यूब है ना, ठीक है सर, 6 2 12 12 3 36 xyz, सिंपल बात है सर। उसके बाद मैंने ए बी सी की जगह पे इसके हिसाब से ये सारी चीजें रख दी और मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से क्या मिल जाएगा, इसका फैक्टराइज फॉर्म मिल जाएगा। अब इसका फैक्टराइज फॉर्म और निकालने के लिए, इसको और फैक्टराइज करने के लिए
मैंने यहां पर लिखा भैया x प्लस सिक्स वाई प्लस टू जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई, ओहो माइनस 12 वाई जेड माइनस 2 एक्स जेड। सिंपल सी बात, बढ़िया मस्त सी बात, मुझे मजा आ गया भैया कि मैंने इसको फैक्टराइज करके वो लिख दिया। ठीक है, समझ गए बात को। अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो आप इससे क्या लेके आ सकते हो, ये पूरा लेके आ सकते हो, इससे क्या लेके आ सकते हो, ये पूरा लेके आ सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा वेरीफाई करके बता पाऊं, लेकिन हाँ आप इसको खुद से एक बार वेरीफाई करके देखना और आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, पक्का? चलो एक बार जल्दी से नोट कर लो। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ही रंगीन तरीके से हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन, देख लो एक बार जल्दी से, देख लिया, आगे बढ़ ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो आया, ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब माइनस 27 सी क्यूब। ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब माइनस 27 सी क्यूब माइनस 36 ए बी सी। अब सर इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो तो पढ़ी है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की, है ना, और वो हो जाता है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सर अब हम इसको कैसे करेंगे, तो मैंने बोला बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैं करके दिखाता हूं, डोंट वरी। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा यहां पर चेंज क्या है क्वेश्चन में, यहां पर प्लस था माइनस था, यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस ही है, तो चेंज क्या है क्वेश्चन में, चेंज ये है कि यहां पर और यहां पर माइनस लगा हुआ है। अब बात को बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक ही बार में अगर समझना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ध्यान से यहां पर देखो। आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि आइडेंटिटी तो वही सेम टू सेम यूज होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब सर आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर मेरे पास एबीसी में आ गया क्वेश्चन। ठीक है सर, माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिंपल सी बात हो गई सर ये तो। अब सर इसको ना इसके नीचे बैठाओ, मैंने बोला ठीक है ए का क्यूब प्लस, चलो प्लस नहीं है, पहले तो हम लोग इसको लिख रहे हैं पूरा इसके नीचे 64 बी क्यूब माइनस 27 सी क्यूब माइनस 36 ए बी सी। अब ये देखते हैं कि ये कितने के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक्स का क्यूब है तो ए का क्यूब भी हमारे पास है माइनस, अब यहां पर मुझे प्लस चाहिए तो लगा दिया प्लस। अब मुझे यहां पर कोई एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसका होल क्यूब करने पर मेरे को माइनस में नंबर चाहिए, माइनस में क्या चाहिए 64 चाहिए, मुझे माइनस में चाहिए इस बार, मुझे क्या चाहिए माइनस में चाहिए, क्योंकि प्लस तो मैं यहां पर लगाऊंगा आइडेंटिटी के हिसाब से, तो मुझे माइनस में नंबर चाहिए। अब सर आपको क्या करना पड़ेगा, किसका क्यूब करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है आपके पास 64 होता है। अब मैं बोल रहा हूं माइनस का क्यूब 4 का क्यूब करो। अच्छा सर माइनस के 4 का क्यूब क्यों करें, क्योंकि देखो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है सर,
तो हमने क्या करा, माइनस फोर, अच्छा यहां पर बी भी लगा दो ताकि वो क्या आ जाएगा, बी का क्यूब आ जाएगा, माइनस फोर बी का होल क्यूब। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, माइनस फोर का क्यूब करोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस में 64 आएगा, प्लस माइनस माइनस 64 बी का क्यूब, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। अब यहां पर प्लस लगा हुआ है तो लगाया प्लस, यहां पर अब आपको क्या करना है, अंदर कोई एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका होल क्यूब करने पर आपके पास कितना है, माइनस का 27 आए। अभी तो ऐसा सोचो 27 आए, तो सर 2 का क्यूब करेंगे, अरे नहीं भैया 2 का क्यूब नहीं करेंगे क्योंकि 2 का क्यूब तो 2 × 2 × 2 8 होगा, 3 का क्यूब करो, 3 × 3 = 9, 3 = 27, और वो भी माइनस में करो, अब माइनस में 3 का क्यूब करो क्योंकि -3 × -3 × -3 3 × 3 = 9, 3 = 27, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहां पर चाहिए अपने को सी का क्यूब तो यहां पर लगा दो सी, सिंपल सी बात है कि यहां पर लगा दो माइनस का 3c का होल क्यूब, ठीक है क्या, ठीक है, समझ गए बात को बढ़िया तरीके से, पक्का ना। अब आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि अब आपका जो x है वो कितना है, a है, जो आपका y है वो कितना है, माइनस का 4b है, और जो आपका z है वो कितना है, माइनस का 3c है। अब रखते जाओ, माइनस लगा हुआ है माइनस लगाओ, 3 लगा हुआ है 3 लगाओ, x लिखा हुआ है तो a लिख दो, y लिखा हुआ है तो माइनस का 4b लिख दो, z लिखा हुआ है तो माइनस का 3c लिख दो। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्मेट के हिसाब से हमने इसको इसके फॉर्मेट के हिसाब से लिख दिया। a का क्यूब करेंगे a क्यूब ही होगा, माइनस 4b का होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास माइनस 64b क्यूब ही होगा, लेकिन लिखना था इस फॉर्मेट के हिसाब से इसलिए प्लस लगाना बहुत जरूरी है। माइनस 3c का होल क्यूब करेंगे तो होगा माइनस 27c क्यूब, लेकिन प्लस लगाना था इसलिए यहां पर आया प्लस, ठीक है सर। यहां पर फिर ऐसे इसको सॉल्व करके माइनस आना चाहिए, आएगा ना, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36, abc ठीक है, 36 abc। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सही है सर, बिल्कुल सही है। हम लोग अब कंपेयर कर चुके हैं, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, अब उठा के सीधा इसमें डाल दो, ठीक है, एक्स की जगह पे कितना डालोगे, ए डालोगे, प्लस लगाओगे, वाई की जगह पे कितना डालोगे, माइनस का 4b डालोगे, ठीक है, जेड की जगह पे कितना डालोगे, माइनस का 3c डालोगे, ये हो गया खत्म। अब इससे डील करते हैं, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, अब इससे डील करते हैं। एक्स का स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर तो प्लस माइनस 4b का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर बोले तो माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब जरा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, मैं एक्स वाई जेड यहां पर लिख रहा हूं, है ना, ताकि मैं क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा यहां पर शिफ्ट कर दूं तो मेरा पूरा आ जाए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स मेरे पास कितना है ए, और वाई मेरे पास कितना है माइनस का 4b, तो ए इंटू माइनस का 4b, तो एक तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वाई भी हो गया, माइनस लगा है वाई जेड निपटा रहा हूं, वाई और जेड कितना है माइनस का 4b माइनस का 3c, ठीक है, माइनस का जेड एक्स, जेड कितना है माइनस का 3c, और एक्स कितना है, थोड़ी सी जगह तो बची थी सर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी हमने निपटा दिया, जेड एक्स था, माइनस में जेड लिख दिया माइनस 3c, एक्स है मेरे पास ए, सिंपल सी बात के हिसाब से ये मेरा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया।
अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ये हो गया a प्लस माइनस माइनस फोर बी प्लस माइनस माइनस थ्री सी, ये हो गया कंप्लीट a का स्क्वायर। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, माइनस फोर बी का जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस फोर इंटू माइनस फोर कितना हो जाएगा आपके पास सिक्सटीन बी स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया सिक्सटीन बी स्क्वायर। माइनस थ्री सी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा नाइन सी स्क्वायर, प्लस में नाइन सी स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस फोर ए बी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फोर थ्री जा ट्वेल्व बी सी, माइनस माइनस प्लस थ्री सी ए, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास। एक बार जरा चेक कर लो जल्दी से, एक बार चेक कर लो कि सब सही है कि गलत है, है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो सब बेहतरीन बढ़िया है, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। क्लियर हो गई बात, पक्का बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया बढ़िया तरीके से, तो एक हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी हो जाने के बाद हम लोग चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100। बहुत ज्यादा आसानी से दे देंगे हम लोग। क्या देना है, एक एग्जाम्पल किसका, बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। एक बाइनोमियल, बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें आपके पास कितने हैं दो टर्म। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें आपके पास कितने टर्म हो दो टर्म हो, लेकिन उसकी डिग्री कितनी रखनी है हमें, डिग्री हमें रखनी है 35। अब डिग्री का मतलब आप लोग जानते हो क्या? यस सर, डिग्री का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हमें पॉलिनोमियल तो एक ऐसा बनाना है, कैसा, बाइनोमियल तो बनाना है। अब पॉलिनोमियल हमने बाइनोमियल टाइप का बनाया, बाइनोमियल में क्या होने चाहिए आपके पास दो टर्म होने चाहिए, लेकिन उसमें से एक की डिग्री कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पहले तो आपको समझाया कि बाइनोमियल क्या होता है। अब एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिखने के लिए मैं बढ़िया सा पेन उठाता हूं और यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल, ठीक है। दो टर्म होनी चाहिए, लेट से मेरे पास एक है x और एक है मेरे पास 36, ये तो हो गया बाइनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए भैया 35 होनी चाहिए, तो ये लगाया मैंने क्या 35। सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया बात। चलो एक बात तो ये हो गई खत्म, अब शुरू करते हैं हम इसकी दूसरी बात। अब दूसरी बात क्या बोलता है वो, दूसरी बात वो बोलता है कि भैया एक मोनोमियल भी बनाना है जिसकी डिग्री 100 है। अब मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें आपके पास क्या हो, बिल्कुल सही, एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, ठीक है सर। तो दूसरा हमें क्या बनाना है, एक मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें आपके पास एक ही टर्म हो। अब एक ही टर्म का क्या मतलब है कि उसमें डिग्री कितनी चाहिए आपको 100 चाहिए, ठीक है, और उसी एक टर्म में आपको जो डिग्री चाहिए है वो कितनी चाहिए 100 चाहिए। अब डिग्री का भी मतलब क्या हो जाता है, यही हो जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी आप वेरिएबल लोगे उसमें आपके पास जो डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। चलो आ जाओ भैया, तो इसमें एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जो मैं उठा रहा हूं वो उठा रहा हूं मैं टी, टी मेरा एक मोनोमियल है, मोनोमियल क्यों, क्योंकि एक ही टर्म है, और उसकी डिग्री लिख देता हूं मैं 100। लो ये लिख दिया 100, हो गया सर, बढ़िया तरीके से हो गया, मस्त तरीके से समझ में आ गया। एक बार नोट कर लें क्या सर, मैंने बोला अरे बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लो, मैं इधर हो जाता हूं, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं क्या।
आसान क्वेश्चन था ना, आसान था, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट भी समझा दिया ना, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल था ना, लिख देता हूं यहां पर। अब एक बात बताऊं, बताइए सर, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं है ना, जिसका आंसर आप लोग मुझे कहां देंगे, सीएस में देंगे, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल, ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 48। एक तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन और, गिव टू एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 108। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास क्या है भैया, होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कहां पर दोगे, सीएस में दोगे। समझ में आ गई क्या बात, बढ़िया तरीके से लिख लो एक बार। ठीक है सर, लिख लिया। अब आगे की बात, अब हमारे पास आ जाता है एक बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बताता रहूंगा कि अगर आपको जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का, अगर आपको जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का, तो वहां पर वो क्या मांग रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू मांग रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू मांग रहा है, जब आप इस पॉलिनोमियल में रखो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल जीरो मिले, वही वो मांग रहा है। तो वही निकालने के लिए, वही निकालने के लिए हमें पी एक्स को एज अ होल क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो ना, यहां पर एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो बराबर में कुछ ना कुछ तो जीरो होना चाहिए, बराबर में कुछ ना कुछ जीरो होगा, मतलब पॉलिनोमियल ही जीरो होगा। इफ वी हैव टू फाइंड अ जीरो ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, देन वी हैव टू टेक पी एक्स एज जीरो, ध्यान में रख लेना हमेशा। ठीक है सर, ध्यान में रख लेंगे। बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट पी एक्स बराबर जीरो इन अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास कितना है, पी एक्स बराबर 2x+1। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे कि पी एक्स को क्या ले लो, जीरो ले लो। तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, यही 2x+1। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो बराबर 2x+1 है, मतलब कि 2x+1 बराबर भी जीरो है। समझ रहे हो ना बात को, पहले तो पॉलिनोमियल मिला, फिर पॉलिनोमियल में एज अ होल जीरो रखा, फिर हमारे पास 2x+1 बराबर जीरो हो गया। अब प्लस का वन जब राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का वन, तो x बराबर माइनस का 1/2। तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, कि माइनस का 1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस का 1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आ जाओ एक बार चेक करते भैया जल्दी से। यहां पर वैसे चेक तो नहीं करना, जीरो आपने निकाल दिया माइनस का 1/2, लेकिन मैं यहां पर वेरीफाई करके दिखा रहा हूं आपको। क्या करके दिखा रहा हूं, वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। अगर उसने वेरिफिकेशन मांगा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने वेरिफिकेशन नहीं मांगा तो डोंट वरी, नहीं देना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस 1/2 हम पी एक्स पॉलिनोमियल में रखते हैं। कहां पर, एक्स की जगह पर। तो हो गया हमारे पास पी माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 2 × एक्स की जगह पे कितना रखा आपने, माइनस का 1/2 प्लस का 1। अब देखो सर,
टू से टू कट गया, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कितना हो गया जीरो। हेंस वेरीफाइड कि माइनस वन बाई टू इज अ जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। एक बार जल्दी से नोट कर लो भैया, हो गया क्या? ठीक है, देख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाने के बाद अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई वेदर टू एंड जीरो आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। बहुत ज्यादा आसान है, हमें वेरीफाई करना है टू और जीरो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमें एक बार पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे टू रख के देखना पड़ेगा और फिर एक बार एक्स की जगह पे जीरो रख के देखना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ रख के देखते हैं। चलो 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 रख के देखते हैं। अब पॉलिनोमियल में हमें पहले तो मानना पड़ेगा लेट पी एक्स बी पॉलिनोमियल जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, है ना। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर आपके पास 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो पी एक्स हमारे पास कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। देखो इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए भैया? जीरो आना चाहिए। अब देखते हैं एक्स की जगह पे सिंपली आपको कितना पुट करना है? टू पुट करना है ना। देन पी एक्स बोले तो यहां पी टू बोल दो ना यहां पर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पी टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह पे टू रख के देख रहे हैं। तो अब जब हम एक्स की जगह पे टू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि x की जगह पे हम लोग कितना रख रहे हैं भैया? 2 रख रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने p2 रखा, 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 4, तो p2 हमारे पास आ गया कितना? 0। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर 2 इज अ 0 of the polynomial। समझ गए ना बात को? इससे हमें यह समझ में आया कि जो 2 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन कैसे कैसे कैसे? क्योंकि जब हमने 2 रखा इस पॉलिनोमियल में, जब हमने 2 रखा इस पॉलिनोमियल में, तो वहां पर p2 हमें 0 मिल गया। p2 0 मिलने का यह मतलब है कि वहां पर जब जहां पर हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखी तो वहां पर हमें क्या मिल गया? पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिल गया। सेम, बिल्कुल सही बात। समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से, पक्का? ठीक है सर। अब हम लोग चेक किसके लिए कर लेते हैं? अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसके लिए। अभी हमने चेक करा टू के लिए, अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? जीरो के लिए। तो आ जाओ फिर से वही सेम बात। हमारे पास अब पॉलिनोमियल कितना है? अरे सेम टू सेम पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल में थोड़ी ना कुछ चेंज हो रहा। चेंज तो जीरो हो रहा है ना, चेंज तो जीरो हो रहा है। चलो अब हम क्या देख रहे हैं जीरो के लिए। अगर जीरो इज अ, अगर जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन पी जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो पी जीरो फाइंड करो भैया, हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो पी जीरो हो जाएगा हमारे पास जीरो। बात ही खत्म। यहां पर क्या लिख दोगे लास्ट लाइन में? सेम टू सेम बात। क्या लिख दोगे? सेम टू सेम बात। ठीक है,
नहीं है, जीरो है। क्लियर हो गई बात? एक बार जल्दी से लिख के देख लो और एक बार जल्दी से समझ लो, मैं जब तक आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी ऐसे हम लोगों ने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे बोल रहा है कि भैया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अगर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आप इस क्वेश्चन को समझाओ कि भैया अगर तेरे को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है तो तेरे को पॉलिनोमियल को एज अ होल क्या लेके चलना पड़ेगा, जीरो लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग पॉलिनोमियल को एज अ होल क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। आ जाओ भैया लेके चलते हैं, एक एक क्वेश्चन यही समझेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन करना है। पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव। बात क्या है कि अगर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल को एज अ होल क्या लेके चलना पड़ेगा, जीरो लेके चलना पड़ेगा। शुरू आप ताली दोगे क्या एक बार? चलो ताली दो और शुरू हो जाओ। क्या लिखोगे? लेट पी एक्स बराबर कितना आपके पास, जीरो। डालो उठा के, जीरो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस फाइव बराबर जीरो, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस का फाइव। तो आप इधर से क्या बोलोगे, आप बोलोगे माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात, बढ़िया। आ गया क्या एक ही बार में दिमाग में बैठ गया ना? क्यों नहीं बैठेगा सर, इतना आसान तो क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस यही सुनना था। अब सेकंड पार्ट यहां कर ले क्या इसका? चलो सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स माइनस का फाइव, सेम टू सेम बात। लेट पी एक्स बराबर कितना, लेट पी एक्स बराबर कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि हमें जीरो निकालना है। हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है। और जीरो का मतलब है एक्स की वैल्यू। जीरोस का क्या मतलब होता है, यहां पर लिख देता हूं, जीरोस का क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वो ऐसी वैल्यू आएगी ना, पता नहीं जादू हो जाएगा वहां पे कुछ, एक्स की एक ऐसी वैल्यू आएगी ना कि जब आप पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर रखोगे ना, वहां पर पॉलिनोमियल एज अ होल आपको कितना मिलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पी एक्स की जगह पे जीरो डाला, जीरो बराबर एक्स माइनस फाइव, इसका मतलब एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो। तो एक्स की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, फाइव आ गई। आप लोग लिख दोगे या फिर मैं लिखते भी चलूं? लिखते भी चलूं सर। तो लिखा भैया फाइव इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पक्का? चल, जैसे ये समझ में आई बात तो फिर हम लोग आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे सर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सर पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव। चलो अब आपसे ही बात कर रहा हूं, हाँ आप ही की बात कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और फिर वीडियो को प्ले करके चेक करो। कर लिया ट्राई, अब सॉल्यूशन देखो और मिला लेना, चेक कर लेना एक बार सही है या फिर नहीं है ना। क्या लिखोगे यहां पर? लेट पी एक्स बराबर कितना आपके पास, जीरो। जैसे ही आप पॉलिनोमियल में पी एक्स को जीरो लोगे तो जीरो इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस का फाइव हो जाएगा। तो टू एक्स प्लस फाइव बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस का फाइव राइट साइड में जाएगा तो आ जाएगा आपके पास माइनस का फाइव, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का फाइव बाय टू आ जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आया
कि माइनस फाइव बाई टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सिंपल सी बात सर, माइनस का फाइव बाय टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सिंपल सी बात, थर्ड ऐसे हो जाएगा तो थर्ड भी हो गया. अब फोर्थ मैं कहां पर दूंगा भैया? सर मैं सीएस में आंसर दूंगा. बोले तो कमेंट सेक्शन में सर इसका आंसर दे दूंगा, आपको देना है. ठीक है, चलो फिफ्थ करते, फिफ्थ कर लेते. ये वाला तो होमवर्क चला गया, फिफ्थ वाला कर लेते यहां पर. आ जाओ भैया फिफ्थ. फिफ्थ क्या बोल रहा है? पी एक्स बराबर थ्री एक्स. सेम टू सेम बात है, लेट पी एक्स बराबर कितना? जीरो. तो पी एक्स की जगह पे जीरो डालो, जीरो बराबर थ्री एक्स. और हम क्या बोल सकते कि थ्री एक्स बराबर जीरो. तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? जीरो अपॉन थ्री, मतलब कितना? जीरो. तो इसका ये मतलब है कि x की जगह पे जब आप जीरो डालोगे ना तो पॉलिनोमियल एज अ होल जीरो मिलेगा. बात तो वही है ना घुमा फिरा के, कि अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है. x की वैल्यू आ गई, अब रख के देख लो. x की जगह पे जैसे ही आप जीरो रखोगे तो थ्री इंटू जीरो आपके पास कितना हो जाएगा? थ्री इंटू जीरो आपके पास कितना हो जाएगा? जीरो. ठीक है, तो जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसमें उलझना मत, इस जीरो का मतलब है एक्स की वैल्यू. ठीक है, एक बार हो गया, आगे बढ़े क्या? चलो, तो एक तरीके से हमारा क्या हो गया? फिफ्थ भी हो गया. अब इसी तरीके से हम लोग कौन सा करेंगे? सिक्स्थ करेंगे सर. तो चलो शुरू हो जाओ एक बार जल्दी से. मैं करवाऊं क्या? हाँ सर आप करवाओ, हाथ पकड़ के करवाओ मस्त तरीके से. तो चलो भैया ये वो आ जाओ सिक्स वाला देखते हैं. पी एक्स बराबर कितना है? ए एक्स है. पी एक्स बराबर कितना है? ए एक्स है. जहां पर वो क्या बोल रहा है कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमें अगर जीरो निकालना है, अगर हमें जीरो निकालना है मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है. चलो भैया, तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा? पी एक्स को एज अ होल जीरो लेना पड़ेगा. लेट पी एक्स बराबर जीरो. तो जीरो आप जैसे ही इसमें डालोगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स. अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो. आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ए एक्स बराबर जीरो. तो x बराबर कितना आ जाएगा? जीरो अपॉन ए, मतलब जीरो. तो फिर से जीरो यहां पर जीरो हो गया ऑफ द पॉलिनोमियल. यहां पर a बोला था जीरो नहीं होना चाहिए, पर x का तो कुछ बोला ही नहीं, x तो जीरो है यहां पर. ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कैसे समझाया हमने इसको? अरे ये और ये क्वेश्चन में डिफरेंस ही क्या है? दोनों तो सेम टू सेम है, बस यहां पर थ्री था यहां पर a था. दोनों में आंसर जीरो ही आएगा. ठीक है ना, तो एक तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया. आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से, मैं साइड हट जाता हूं. ले लिया स्क्रीनशॉट. ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू निकालनी है. अगर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है सर ये. अब बात को ध्यान से समझो, ए की वैल्यू निकालनी है. ए यहां पे कहीं आ रहा है, साथ ही साथ एक्स माइनस ए फैक्टर बोल रहा है. ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है. पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है. अगर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, अगर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है तो एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए से एक्स की वैल्यू निकालने पर आएगी ए. ए को अगर आप इसमें पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी. रीजन, क्योंकि एक्स माइनस ए आपका फैक्टर है. मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं.
मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल है हमारे पास अभी पी एक्स, देन ध्यान से समझना, देन पी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहां से क्या करते हो आप, x माइनस ए की वैल्यू निकालते हो, यहां से आप x माइनस ए की वैल्यू निकालोगे, x आएगा जीरो, ए x जीरो नहीं आएगा, x ए आएगा, x माइनस ए को जीरो के साथ सब्सटीट्यूट करोगे, x माइनस ए को आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a, मतलब x की जगह पे आपको कितना रखना है, a रखना है। तो इसमें पॉलिनोमियल में x की जगह पे आपने a रखा और वो हमेशा आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। आगे की बात समझते ध्यान से, ठीक है, x माइनस ए अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो p आपके पास कितना होगा, जीरो होगा। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, x माइनस ए आपके पास जीरो है, कितना हो जाएगा, जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। और हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन। देख रहे हो ना, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन। अब क्या करना है, यहां पर वही सेम लाइन लिख दूंगा, x माइनस ए अगर फैक्टर है इसका तो पी ए रखने पर, x की जगह पे a रखने पर मेरे को ये पी ए कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात को ध्यान से समझना, a का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए माइनस वन। तो यहां पर पी ए को मुझे कितना लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। बहुत शानदार, ये हो गया ए क्यूब, ये भी हो गया ए क्यूब, ये हो गया टू ए, ये हो गया ए, ये हो गया माइनस का वन। ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया, कट गया सर, टू ए और ए कितना हो गया, थ्री ए, थ्री ए माइनस वन बराबर जीरो, थ्री ए माइनस वन बराबर जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वन बाय थ्री। समझ भाई क्या आपको बात, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वन बाय थ्री। बहुत ज्यादा आसान था, कुछ भी नहीं किया मैंने ज्यादा, वैल्यू ए की निकालनी थी, बोल रहा था एक्स माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो मैंने लिखा अगर x माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो p a बराबर होना चाहिए जीरो। x माइनस ए की वैल्यू निकाली, x आ गया a, पॉलिनोमियल को मैंने लेट कर लिया कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल है px, ये पूरा मेरे पास एक px पॉलिनोमियल है। x की जगह पे मैंने सिंपली क्या रख दिया, a रख दिया, मतलब a का क्यूब माइनस a x की जगह पे a स्क्वायर प्लस 2 इनटू a प्लस a माइनस 1। सिंपली ए क्यूब हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो गया टू ए हो गया माइनस वन हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, टू ए और ए हो गया थ्री ए माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाय थ्री। सिंपल सी बात, बढ़िया, अच्छे तरीके से समझ गए क्या, पक्का श्योर हो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है हमारे पास ये। अब हमें इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने, जीरोज फाइंड करने। जीरोज फाइंड करने का क्या मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने का भी क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल को एज अ होल वहां पर क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। करते भैया यहां पर समझना, पी एक्स हमारे पास कितना है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाना चाहते हो क्या, आइडेंटिटी लगाना चाहते हो एक्स माइनस एक्स प्लस बी की, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको बढ़िया तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो अगर आप लोग आइडेंटिटी लगाना चाहते हो तो मैं आइडेंटिटी से बताऊं, अदरवाइज इसको डायरेक्टली खोल देते हैं, आइडेंटिटी से ही लगा देते हैं अपन लोग।
by using identity, कौन सी वाली सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्या होती है भैया, होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, ये माइनस ई का होल स्क्वायर निकालना है ना, क्या निकालना है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए हमारे पास कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया एक्स माइनस का टू, बी हमारे पास कितना आ गया, बी आ गया हमारे पास एक्स प्लस का टू। तो यहां पर आपको सिंपली क्या डालना है, ए की जगह पे एक्स माइनस टू और बी की जगह पे एक्स प्लस टू डालो भैया, ए की जगह पे एक्स माइनस टू, बी की जगह पे एक्स प्लस टू, ए की जगह पे एक्स माइनस टू, बी की जगह पे एक्स प्लस टू। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान से हो गया। अब देखो आगे की बात, प्लस टू से माइनस टू कट गया, आंसर आ गया टू एक्स मल्टीप्लाई, यहां पर अब इसको लिखो जरा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, ये कट गया आपके पास, माइनस एक्स से प्लस एक्स, माइनस टू हो गया माइनस का फोर, माइनस का फोर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस का क्या, एट एक्स। समझ रहे हो बात को, देखो माइनस टू आपके पास कितना बचेगा, फोर बचेगा माइनस का, माइनस फोर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का एट एक्स बचेगा। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस के एट एक्स आ गई। अब आपको क्योंकि इसका क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है ना, इसका क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, तो इसका जीरो कैसे फाइंड होगा, लेट पी एक्स बराबर जीरो, तो पी एक्स को जब आपने जीरो रखा तो जीरो बराबर कितना हो गया आपके पास, एट एक्स हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास, जीरो बाय एट मतलब जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, एक बार अच्छे से नोट कर लो, और अगर वो वैसे समझ में नहीं आया तो फिर मैं यहां पर अलग तरीके से बता देता हूं, पहले आप इतने को नोट कर लो अच्छे से, कर लिया क्या, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब मैं यहां पर अलग तरीके से बता देता हूं, एक बार कोई बात नहीं, एक बार अच्छे तरीके से दूसरी आइडेंटिटी लगा के सिखा दूंगा यार, है ना, ठीक है। एक तरीके से नहीं आएगा, अपने पास सौ तरीके समझने के लिए, पर आप भी तो समझने के लिए तैयार बैठो, मैं तो समझाने के लिए बैठा हूं, पक्का वादा कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो ना, ठीक है बस शुरू करते हैं। अब ये करते हैं, अपने को जीरोस निकालना है फिर से, अब हम अलग मेथड अपनाते हैं। पी एक्स बराबर कितना है हमारे पास, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो पी एक्स हमारे पास कितना आ गया। अब यहां पर आपके पास क्या होता है, अगर मैं चाहूं या बात करूं तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, एक कौन सी वाली, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की, या चलो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की और ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो अगर बात करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, बोल तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां पर लगाओ माइनस और अब लगाओ ब्रैकेट, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है आइडेंटिटी लगा दी सर, अब वापस इसको क्या करो, ऊपर लिख लो आइडेंटिटी, जरूर लिख के आ जाना कि कौन कौन सी आइडेंटिटी आप लोगों ने लगाई। बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, जो कि हो जाता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आपने लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपने लगाई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको काम कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर एक्स,
अब प्लस फोर से माइनस फोर कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस फोर एक्स हो गया माइनस का एट एक्स। तो आप चाहे उससे निकालो दूसरी आइडेंटिटी से, चाहे ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, आपके पास आना तो माइनस का एट एक्स ही है। उसके बाद आपको बोला था कि भैया इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने। अगर इसके जीरोस फाइंड करने मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपली क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, जब आपने यहां पर पी एक्स को जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आपके पास सिंपली आ गई, देखो यहां पर माइनस लगाना था, यहां पर माइनस लगाना था, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही आना है वो तो। ठीक है, समझ गए बात को बढ़िया तरीके से। एक बार जल्दी से नोट कर लो ये वाला, समझ गए क्वेश्चन कौन सा था, नाइन ही था, क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, वो नया क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब। अब हमारे पास माइनस वाली ऐसी आइडेंटिटी तो होती नहीं है, हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी अवेलेबल है, प्लस वाली आइडेंटिटी अवेलेबल है। कौन सी, प्लस में कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। काफी लंबी आइडेंटिटी है सर, इसको थोड़ा शॉर्ट नहीं कर पाएंगे क्या, इतना लगाना बेटर भी नहीं है, मैंने बोला समझो बात को, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आइडेंटिटी तो लंबी है मानता हूं, आइडेंटिटी तो लंबी है मानता हूं। क्या है कि भैया आइडेंटिटी क्या बोलती है, हमारे पास बोलती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात सर। यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए पहली कंडीशन। तो यहां प्लस प्लस लगाना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जैसा तिगड़म बिठाना पड़ेगा कि वहां पर हम लोग क्या लगा ले, प्लस लगा ले। चलो वो बात की बात है, एक चीज इधर और होती है, वो क्या होती है कि अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए ना, अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए ना, तो ये पूरा जीरो हो जाता है और माइनस का थ्री एक्स वाई जेड राइट साइड में चले जाता है। यहां पर लिख देता हूं कि अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है ना, तो आपके पास क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर, ये पूरा जीरो हो गया, तो जीरो इंटू ये पूरा जीरो ही हो गया और फिर ये थ्री एक्स वाई जेड चले जाता है राइट साइड में। तो उस हिसाब से हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा, हमें यहां पर देखना पड़ेगा करने के बाद कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ रहा है ना, यहीं से x आएगा, यहीं से y आएगा, यहीं से z आएगा। अगर ये तीनों का सम, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम जीरो आ रहा है ना, तो हम लोग उसको सिंपली थ्री एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले इसको सेट करना पड़ेगा, सेट हम लोग यहां पर कर लेते हैं। 48 का क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए, यहां प्लस होने चाहिए। करते सर यहां पर कुछ ना कुछ एक ऐसा तिगड़म जमाओ कि यहां पर ये नंबर निगेटिव हो जाए। मैंने बोला सुनो ध्यान से, यहां पर क्यूब दिया हुआ है 48 का क्यूब, मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, a का क्यूब हो रहा होगा, समझो। अगर आप लोग लगाना चाहते हो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, अगर आप लोग लगाना चाहते हो 3xyz, तो आपको सबसे पहले तो x फाइंड करना पड़ेगा जो कि कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, y फाइंड करना पड़ेगा जो कि कितना आ जाएगा माइनस का 30, z फाइंड करना पड़ेगा जो कि कितना आ जाएगा
माइनस का 18। अब पहले तो ये लगेगा लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि ये कब लगेगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड पहले तो निकाल के देखना पड़ेगा कि जीरो है, तभी ये लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। x है 48, y है माइनस का 30, तो प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 30, और z है माइनस 18। तो देखो भैया माइनस 13 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 48, 48 माइनस 48 जीरो। सिंपल सी बात सर आ गई, ये आपके पास इसका सम कितना है, जीरो है। तो सिंपली हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसको चेक जरूर कर लेना यहां पर, है ना। यहां पर क्या देखा हम लोगों ने कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, 48 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब बराबर, x आपके पास कितना आ गया था यहां से 48, y कितना आ गया था आपके पास माइनस का 30, और z आपके पास कितना आ गया था माइनस का 18। 3 मल्टीप्लाई x है 48, y है माइनस का 30, और z है माइनस का 18। क्लियर हो गई बात बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। अब आपको आगे की बात बताता हूं, माइनस माइनस तो आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट ऑब्टेंड होगा वो कायम होगा हमारे पास प्लस में होगा, ठीक है। आपको मालूम है 48 इंटू 3 कितना होता है, अच्छा 53 से कितना होता है 150, 150 में से आप 6 को माइनस करो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 48 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास कितना 144, यहां से आपके पास 144 आ गया, और 18 3 जा कितना होता है आपके पास 18 3 जा 54। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 जा 16, 4 जा 16 17, 41 जा 4 आपके पास 5, और 54 जा 20, 54 जा 22, 51 जा 5 और आपके पास हो जाएगा 7, 6 7 7 7 ट्रिपल 76। अब आप इसका क्यूब जब फाइंड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, इसका क्यूब माइनस करने पर आपके पास आ रहा है 7776। एक बार जल्दी से चेक कर लो, हो गया क्या, आगे की बात कर ले पक्का, और कुछ दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चल तो जब हम लोगों ने आगे की बात करी तो आगे हम लोग कर लेंगे, यहां पर इसका आप लोग एक क्या लगाना भूल गए, जीरो लगाना भूल गए, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है, लेकिन यहां पर जीरो एक लगाना आप लोग भूल गए हो। 7760 की वैल्यू है प्लस में, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया बढ़िया तरीके का, वो हमसे बोल रहा है भैया या तो मुझे माफ करो या तो मुझे जल्दी से सॉल्व करो। तो हम इसको माफ तो करेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सही, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है, सो दैट 2x-1 बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। m की वैल्यू निकालो अगर 2x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो, निकाल लेते हैं सॉल्यूशन समझो पहले। तो लेट पी एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है और वो कितना है, इतना पूरा है 8x^4 प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस में m, ठीक है। अगर 2x-1 फैक्टर है इसका, इफ 2x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, देन p ऑफ 1/2। अब p ऑफ 1/2 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि
यहां से x की वैल्यू आएगी 2x माइनस 1 को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे और 1 को अगर राइट साइड में भेजोगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1 बाय 2 हो जाएगा। मतलब जब आप ये x की वैल्यू 1 बाय 2 इस पॉलिनोमियल में डालोगे तो आपको वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, तभी तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा ना। यहां पर बोला हुआ है, यहां पर गिवन है कि 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है मतलब x की वैल्यू 1 बाय 2 रखने पर आपको इधर कितनी वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की, 0 मिलेगी। ये गिवन है, ये चीज जो है ये लिख रहा हूं मैं इधर, गिवन है ये, क्योंकि इसने बोला है कि 2x माइनस 1 फैक्टर है। चेक करने को नहीं बोल रहा, बता रहा है फैक्टर है, फैक्टर है, तो बस रखने पर हमें कितना मिलेगा यहां पर, 0 मिलेगा। अब P 1 by 2 आप इस पॉलिनोमियल के अंदर रखो, कितना रख रहे हो P 1 by 2, समझ रहे हो बात को, ठीक है सर। तो 8 1 by 2 to the power 4 plus 4 1 by 2 to the power आपके पास 3 minus 16 1 by 2 का square plus 10 1 by 2 plus m। यहां पर P1 by 2 कितना है हमारे पास, 0 है, तो 0 डाल दिया बरोबर। अब यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना। x की जगह पे आपने 1 by 2 डाल दिया, एक बार चेक कर लो भैया सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है। अब सॉल्व करते हैं, 1 का 1 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 1 और 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 2 * 2 * 2 * 2, ठीक है 16 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 8 / 16 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 4 बाय 8। सिंपल सी बात चल रही है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं चलता। माइनस 16 बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 बाय 2 प्लस m, ये हो गया आपके पास 1 बाय 2, ठीक है सर। ये हो गया आपके पास 1 बाय 2, ठीक है सर। 4 4 जा 16 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब आधा और आधा कितना होता है सर, एक होता है, आधा और आधा कितना होता है, एक होता है, तो इन दोनों का सम एक हो गया। माइनस 4 प्लस 5 प्लस m, यहां से m की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इधर आ जा, 5 और 1 6, 6 माइनस 4 2, 2 प्लस m बराबर 0। फिर से समझा देता हूं, 5 और 1 6, 6 माइनस 4 2, 2 प्लस m बराबर 0, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 2। एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया क्या, समझ गए बात को, मजा आया करने में, बिल्कुल मजा आया सर। अब एक बार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़े ही अच्छे तरीके से देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अरे नहीं लिया क्या, ले लो भैया अभी तो हटा था मैं, अब ले लिया पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा, अरे ये हमारे पास कैसा क्वेश्चन आ गया सर, इससे तो हम भयंकर तरीके से डर गए। मैंने बोला डरने का नहीं, मैं बैठा हूं ना, आ जाओ मैं बताता हूं कि ये कैसे होगा, मैं बताता हूं कि ये कैसे होगा। फैक्टराइज ही करना है, किसी का क्यूब लग रहा भैया, प्लस किसी का क्यूब लग रहा है, प्लस किसी का क्यूब लग रहा है, याद आ रहा है क्या कुछ कुछ, हाँ सर याद तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए सेम है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आ जाओ अब इस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के अपन एक कर देंगे, है ना। कौन सी आइडेंटिटी एक करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात समझना, यहां पर एक कंडीशन होती है वो आपको मालूम है कि अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, अगर ये जीरो होता है तो आप क्या लिख देते हो डायरेक्टली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख देते हो,
ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यहां पर देखना पड़ेगा कि जो ए बी और सी है वो आपके पास कितने हैं, जीरो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेट से ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी हो जाएगा और ये आपके पास सी हो जाएगा। तो यहां से आप क्या फाइंड करो, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करो और चेक करो कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। ए तो आपके पास ये पूरा पार्ट है 1/2x - 3y, पेन चेंज कर रहा हूं प्लस लिख रहा हूं। बी है आपके पास 3y - √3z, फिर पेन चेंज करके फिर मैं क्या लिख रहा हूं, सी वाला पार्ट लिख रहा हूं, √3z माइनस का 1/2x माइनस है भैया 1/2x से 1/2x कट गया, 3y से 3y कट गया, √3z से √3z कट गया। यस, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है मेरे पास, जीरो है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होना चाहिए। ए आपके पास ये, बी आपके पास ये और सी आपके पास ये, बस सीधा लगाओ कि भैया इसका क्यूब लिख देता हूं यहां पर कि भैया आपके पास 1/2x - 3y का होल क्यूब प्लस 3y - √3z का होल क्यूब प्लस √3z - 1/2x का होल क्यूब बराबर कितना होना चाहिए, 3abc। ए अब इतना बड़ा है, बी इतना बड़ा, सी इतना बड़ा, कैसे लिखूंगा यार, कैसे लिखूं मैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन इसको कॉपी करते हैं, यहां पे इसको करेंगे ही नहीं, देख लो ठीक है क्या। चलो अब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब जो हमारे पास था कितना, ठीक है बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x है हमारे पास 1/2x - 3y, बी है हमारे पास 3y - √3z और सी को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बस ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है, 3 × this × this × this, बस इससे ज्यादा और कुछ मत करना। अगर ज्यादा कुछ लग रहा है तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सी बात थी, पक्का आ गया समझ में, बस ऐसे ही काम करना है। इसमें क्या सोचा आपने कि क्यूब लगाएंगे अपन, इसमें क्यूब लगाएंगे, इसमें क्यूब लगाएंगे, थक जाएंगे भाई, थक जाएंगे। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास आया क्वेश्चन फैक्टराइज का, अब फैक्टराइज हमें सिंपली करना पड़ेगा, यहां पर कर लेते हैं। सर फैक्टराइज में लेकिन इस बार आपके पास कौन सा वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज आप जानते ही हो कि कैसे होता है। मैंने बोला आपको एक एक करके दिखाता हूं और एक एक दिमाग में बैठवा दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला x³ - 2x² - x + 2, शायद यही है, हाँ यही है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए कुछ चीजें होती है, पहले तो वो समझो। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसमें 3 होगी, इसमें 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास जितनी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही फैक्टर्स निकलते हैं। यहां पर पावर 3 है, तो उस हिसाब से आपके पास फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। मतलब अगर जीरोस की बात करें तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, x की 3 वैल्यूज निकलेंगी। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसी का फैक्टर्स फाइंड करने, 3 फैक्टर्स आएंगे, तीनों फैक्टर फाइंड करने। आजा भैया, बहुत ही मस्त तरीके से हम लोग इसके फैक्टर्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया यहां पर लिखो आप इसको सॉल्यूशन, और सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जो 2 दिख रहा है ना, इसके लिखो फैक्टर्स। तो बहुत ही ज्यादा आराम से बता रहा हूं और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कि फैक्टर्स ऑफ 2। अब 2 के फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, सर या तो 1 हो जाएगा या तो 2 खुद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब अगर हम बात करें तो वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। अब आपको एक एक करके पॉलिनोमियल में क्या करना है, इसको 0 डालना है, डालना नहीं है लाना है। क्या करना भैया, 0 लाना है। लेट ये मेरे पर एक्स एक पॉलिनोमियल है, आज लेट पी एक्स मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर्स 2 के क्या क्या आ गए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2। अब आप एक एक करके एक बार प्लस 1 डाल के इसमें देखो, आपको 0 मिल रहा है क्या। चलो भैया P1 डाल के देखो, P1 निकालो कितना आ रहा है, 1 का क्यूब मतलब 1, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 2, 1 डालोगे तो माइनस 1, प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, आपके पास 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ध्यान से कि P1 आपके पास 0 हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 1 अगर 0 है, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, भले ये 0 वाली लाइन से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं हटा देता हूं, लेकिन आप लोग ये बात तो समझना। अब यहां पर कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था कि मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है और अगर आपके पास P ऑफ A डालने पर आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हम सिंपली ये बोल देते कि भैया x की जगह पे जब हमने 0 डाला तो x की जगह पे 0 डाल, x की जगह पे जब हमने A डाला तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिली। तो A को जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो x माइनस A आ जाएगा, और आप बोलोगे कि x माइनस A क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ px। वो क्या है भैया, वो फैक्टर है, ठीक है ना। फैक्टर का असली मतलब क्या होता है वो बताता हूं। फैक्टर का असली मतलब होता है, जैसे मान लो आपके पास एक कोई भी नंबर है 8 है, तो इसके फैक्टर कौन कौन है, 1 है, इसका फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 4 है, और इसका फैक्टर 8 खुद है। इसमें से आप चारों में से कोई सा भी नंबर उठा लो, वो 8 को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो 8 को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सेम टू सेम केस यहां पर है कि x माइनस 1 अगर x का फैक्टर है px का, मतलब कि x माइनस 1 इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब कंप्लीटली डिवीजन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। कंप्लीटली डिवीजन हम लोग यहां पर इसका देख लेते हैं एक बार कि कैसा होता है, यहीं के यहीं डिवाइड करके बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने पूरा पॉलिनोमियल लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक तो इसका फैक्टर आ गया x माइनस का 1। अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब वो इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेगा,
और पूरा कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि वहां पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, एक्स है यहां पर कोई एक ऐसा नंबर लो जो एक्स क्यूब आए, एक्स है यहां पर कोई एक ऐसा नंबर लो जो एक्स क्यूब आए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया मेरे पास एक्स का क्यूब। अब ध्यान से समझो, यहां से माइनस की वजह से ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ हो गया, एक्स स्क्वायर का माइनस के वन के साथ होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस। अब माइनस प्लस हो गया आपके पास माइनस, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है सर, अब बाकी का मैं एज इट इज लिख रहा हूं माइनस एक्स प्लस टू। आगे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर हो गया। अब यहां पर हमें इसके लिए एक नया नंबर लेना पड़ेगा ताकि मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर आए। यहां पर मुझे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे जिसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास माइनस में एक्स स्क्वायर है। तो मैंने सोचा माइनस का एक्स वो नंबर है, क्योंकि माइनस का एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। मेक श्योर बाहर एक माइनस रहता है जो कि माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। इस प्लस का मतलब है कि एक्स स्क्वायर आपका आएगा है प्लस साइन का है। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक बार एक्स के साथ हो गया, एक्स बार एक्स का मल्टीप्लाई वन के साथ होना बाकी है, तो एक्स का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा तो आना एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, लेकिन साइन तो चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस रहता है, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब है कि जो अब एक्स है वो माइनस साइन का है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस का टू एक्स प्लस टू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां पर एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, अब हमें यहां पर एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये है, तो माइनस का टू एक्स, साइन चेंज हो गया प्लस में तो ये कट गया, माइनस का टू जब माइनस के वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस का टू, तो साइन फिर से चेंज। ये इसका मतलब है साइन चेंज होने का कि जो अब टू है वो माइनस साइन का है, माइनस टू प्लस टू कट गया, आपका आंसर आ गया जीरो। मतलब एक्स माइनस वन इसका पक्का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर वहां पर कितना मिला, जीरो मिला। अब आप लोग रिमाइंडर थ्योरम से एक चीज जानते हो क्या, आप लोग रिमाइंडर थ्योरम से एक चीज जानते हो कि अगर आपके पास ये क्या होता है डिविडेंड, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास क्वेश्चन होता है, ये क्या होता है आपके पास डिवाइजर होता है, और ये क्या होता है आपके पास रिमाइंडर होता है। अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें, तो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि भैया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे पास कितना है, ये पूरा है, ठीक है, तो डिविडेंड आप लिख दो जल्दी से, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर है हमारे पास एक्स माइनस वन, इंटू क्वेश्चन्ट हमारे पास कितना है, क्वेश्चन्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना है, जीरो। ठीक है सर, जीरो को तो अलग पेन से लिखना था, हाँ भैया ये लिख दिया हमने जीरो को एक अलग कलर से। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ गया, दो फैक्टर यहां से आएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, दो फैक्टर यहां से आएंगे, रीजन क्योंकि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहां से हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे, यहां से हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे। तो चलो उठाते हैं ये वाले पॉलिनोमियल को, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कितना है, वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू। अब यहां से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग इसको सॉल्व तो कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलता है ये भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और आपको 2 को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 वन से कितना हो जाएगा 2, 2 के फैक्टर्स निकालने, तो 2 के फैक्टर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 2 और 1 आ जाएंगे। अब 2 और 1 से हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये 1 बनाना पड़ेगा। आ जाओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x माइनस 2 प्लस अंदर 1 x माइनस 2, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया, तो चोरी जब करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 1। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए x माइनस 2 और x प्लस 1, और एक x माइनस 1 तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आया, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स थे वो हमारे पास कितने आ गए, कहीं का वन छूटा क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये हो गई बात खत्म। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, देयरफोर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स। तो ऐसे का ऐसे आपको पूरा वहां पर करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या, आगे बढ़ ले। चलो तो एक तरीके से अब जाके हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर चौथा। चौथा तो हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान है वो, पहले हम लोग लेकिन कौन सा करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो आ जाओ भैया सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से समझे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, प्लस नहीं माइनस 5, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे कि ये है हमारे पास पॉलिनोमियल px। पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले आप लोग क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो, किसके 5 के। तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या आ गए, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग सीधा, है ना, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या आ गए हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 5 का मतलब है कि 5 आपका किस किस के टेबल में आता है, 5 आपका 1 में आता है, 5 आपका 5 में आता है और किसी के अलावा में नहीं आता। तो 1 और 5 खुद इसके क्या है, फैक्टर है, प्लस माइनस में लिख दो। अब एक एक करके x की जगह पे क्या करो, वैल्यूज डालो, एक बार प्लस 1 डालो, एक बार माइनस 1 डालो, एक बार प्लस 5 डालो, एक बार माइनस 5 डालो, और जिस पे भी वो 0 दे दे वहां से आपका एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो p1 यहां से निकालो आप लोग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, है ना, प्लस का 1 डाल रहे हैं तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, माइनस 9 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 14, माइनस 14 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 17, माइनस 17 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 16, नहीं दे रहा यहां से 1, 1 जो है वो हमें क्या नहीं दे रहा भैया, फैक्टर नहीं दे रहा, मतलब 0 नहीं दे रहा वैल्यू में। अब पी माइनस 1 डाल के देखो एक बार, तो माइनस 1 का क्यूब जब आप करोगे तो माइनस 1, माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा, माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो,
माइनस फोर इधर से प्लस फोर इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा जीरो। क्या बचेगा भैया? जीरो। अब आगे समझो तो क्या लिखोगे कि माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, कि माइनस वन लिखोगे या फिर एक्स माइनस वन लिखोगे, एक्स बराबर माइनस वन लिखोगे। देखो 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 बात को समझो, बात को समझो, एक्स बराबर माइनस वन आपने इसमें डाला तो आपको वैल्यू जीरो मिली, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, आप तो बोलोगे कि भैया एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, समझे बात को? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे यहां पर आपने वन डाला था ना, जब आपने वन डाला तो बोले जीरो, तो वन आपका यहां पर था, देखो इधर समझ लो, एक्स बराबर वन तो प्लस का वन इधर आएगा तो एक्स माइनस का वन ना, तो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझे बात को? समझ गए ना? ठीक है, तो अब हम करते हैं यहां पर, तो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अब अगर x प्लस वन फैक्टर है px का, मतलब इसको वो क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, और क्या बोल रहा हूं मैं कि x प्लस वन क्या है, इसका फैक्टर है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, x से क्या मल्टीप्लाई करूं जो x क्यूब है, तो x स्क्वायर डिवाइड कर दो सर, तो x क्यूब आपके पास आ जाएगा, ये कट गया आपके पास, ठीक है, x स्क्वायर का वन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना आएगा, प्लस में x स्क्वायर, बाहर एक माइनस रहता ही है, बाहर क्या रहता है, एक माइनस रहता ही है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो आप एक्स स्क्वायर है वो काय का है, माइनस का, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव एज इट इज उतर जाएंगे। अब नंबर चेंज करके हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, यहां पर कुछ ऐसी चीज सोचो जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास माइनस का फोर एक्स स्क्वायर बने, तो मैंने सोचा माइनस का फोर एक्स, क्योंकि जब माइनस का 4x में x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4x स्क्वायर, बाहर एक माइनस रहता है ये तो प्लस हो जाएगा, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में कैंसिल आउट हो गया, फिर माइनस 4x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4x, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 4x माइनस का 5x माइनस का 5। फिर अब आपको एक नंबर सोचना पड़ेगा, तो मैंने सोचा माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 5x, जो कि प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5, ये भी प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा, और वो तो मिलना ही है, वो तो मिलना ही है, क्यों मिलना है, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर है px का, तो रिमाइंडर तो हमें कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अब यहां पर आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेशेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर रहे हो ना, पक्का ना, वादा करो यार, वादा करो, एक बार लाइक कर दो, मैं रुका हुआ हूं आराम से, कर दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोगों ने उसके हिसाब से इसको क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिविडेंड मेरे पास कितना है, डिविडेंड मेरे पास कितना है, डिविडेंड है यही, इसी को कॉपी करो और यहां पर चलो, डिविडेंड हम लोगों ने लिख दिया कितना, इतना,
बराबर डिवाइजर कितना है हमारे पास, चलो डिवाइजर भी देख के आते हैं। डिवाइजर है हमारे पास x प्लस वन, इंटू क्वेश्चंट हमारे पास कितना है, क्वेश्चंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव प्लस रिमाइंडर तो हमारे पास कितना ही है, यहां पर जीरो है। ठीक है सर, हो गया ये बात खत्म। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये जानते हो क्या है, बोले बिल्कुल जानते हैं सर, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है आपके पास कि दो फैक्टर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, दो फैक्टर्स आ जाते हैं। तो दो फैक्टर यहां से निकालो, जल्दी से जल्दी से निकालो, मेरे को निकाल के दो। निकाला दो फैक्टर, आ रहा है समझ में, पक्का, बोले बिल्कुल आ रहा है सर, दो फैक्टर निकल भी गए, चलो बहुत शानदार। अब अगर निकल गए तो चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव है, यहां निकाल रहा हूं, यहां पे फैक्टर निकाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, बोले सर यहां मत निकालो, यहां निकाल दो, बोले ठीक है भैया यहां निकाल देता हूं, आप समझो जरा फैक्टर कैसे निकलेगा। वन का मल्टीप्लाई फाइव के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, है ना। फाइव के फिर क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे, फाइव वन जा फाइव और वन वन जा वन, मतलब फाइव में से जब वन को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। चलो तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, लगाए रहने दो, 5 में से 1 को माइनस करना तो 4 आ जाएगा x माइनस फाइव। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। अब जब आप इधर से इधर तक देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस में 5, और इधर से इधर में देखोगे तो आपके पास वन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस का फाइव, एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव हो गया, तो आपके पास हो गया एक्स प्लस में वन। समझ गए बात को, समझ गए सर। तो इसके दो फैक्टर्स और आ गए, क्या क्या, एक तो आ गया एक्स माइनस में फाइव और एक तो आ गया एक्स प्लस में वन। समझ गए बात को, समझ गए सर। तो इसके सर टोटल मिला के कितने फैक्टर आ गए, तीन फैक्टर आ गए। यहां पर लिख देना देयरफोर एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस वन आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, देख लो एक बार, देख लिया क्या, तो इसके फैक्टर्स भी हमारे पास क्या हो गए भैया, इसके फैक्टर भी निकल गए। अब बात करें अगर हम लोग इसके फैक्टर की, तो इसके फैक्टर भी इजीली से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो एक ये वाला मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, ये वाला मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। मैंने माना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं होमवर्क में दे सकता हूं। ठीक है सर, बिल्कुल दे सकते हो, ये तो आपका काम है सर। मैंने बोला काम नहीं है यार। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन तो यही करवा दिए, एक क्वेश्चन घर पर कर लोगे ना, कर लेंगे सर। एक बार स्क्रीन शॉट दिलवा देंगे क्या सर पीछे वालों के, मैंने बोला देख लो भैया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था, सेकेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन था, एक बार पूरा अच्छे से देख लो। हो गया, ये था, ठीक है। चल अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। अब डायरेक्टली कैसे होगा, देखो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर
माइनस टू वाई माइनस वन। अब अगर आप लोग इधर से लेकर इधर तक बात को फोकस करोगे तो आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन में आ रहा है, अंदर आपके पास कितना बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा टू वाई प्लस में वन, ठीक है। अब अगर आप लोग एक बात और ध्यान से समझोगे, इधर से लेकर इधर तक तो आपके पास माइनस का वन कॉमन आ रहा है, आपके पास माइनस का वन कॉमन आ रहा है, आपके पास अंदर बच जाएगा टू वाई प्लस में वन, ठीक है। अब सर टू वाई प्लस वन तो हो गया, तो एक क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन। अब एक बात और अच्छे से ध्यान से समझो, यहां पर आप कुछ लगा सकते हो। बोले क्या? देखो भैया वाई स्क्वायर माइनस में वन, अगर ये भी वन का स्क्वायर होता तो आप इसको क्या लगा देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही तो काम मैं यहां पर करूंगा। तो इसके दो फैक्टर और आ जाएंगे आइडेंटिटी लगाने पर, क्या क्या आ जाएंगे, y प्लस वन और y माइनस वन। तो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, देयर फोर टू वाई प्लस वन वाई प्लस वन एंड y माइनस वन आर द फैक्टर्स पॉलिनोमियल पी वाई था ना यहां पर, हाँ पी वाई था, ठीक है। ये आपका एक पॉलिनोमियल पी वाई है, क्यों पी वाई बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल आपके पास कौन कौन से हैं, वाई हैं। एक बार जल्दी से देख लो, ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, देख लिया, ठीक है सर। अब स्क्रीनशॉट भी ले लिया, और सर थर्टींथ क्वेश्चन एक हिसाब से हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगर हम लोग बात को समझें तो अब आता है हमारे पास 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बोलता है एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, x प्लस टू हमें चेक करना है कि इसका साथ ही साथ 2x प्लस फोर का क्या है फैक्टर है, ठीक है, चले क्या, चलो चलते हैं समझते हैं बात को बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, x प्लस टू अगर इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है, मतलब फैक्टर तो एक ही है, पॉलिनोमियल अलग अलग है तो फैक्टर एक ही है, मतलब x की तो एक ही वैल्यू हमें इसमें भी डालनी है और इसमें भी डालनी है। वो x की वैल्यू ये देगा x प्लस टू, एक्स प्लस टू ने वैल्यू दी x की, सीधा इसमें डालो, अगर जीरो आ रहा है तो बोल देना यस x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और फिर x प्लस टू बराबर जीरो डाल के x की वैल्यू माइनस टू निकालना, x की वैल्यू निकाल के इसमें डालना, अगर ये पॉलिनोमियल जीरो दे रहा है तो लिख देना यस x प्लस टू इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक कर लेते सर, पहले सबसे पहले लेट पॉलिनोमियल बी px, लेट px हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन यहां से आप x की वैल्यू निकालो, यहां से आप x की वैल्यू आएगी माइनस टू, तो p माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहां से x प्लस टू बराबर जीरो रखोगे तो माइनस टू रखने पर इस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू कितनी देगा, जीरो देगा। तो बस जल्दी से आप लोग डाल दो p की जगह पे माइनस टू, और ये चेक कर लेना कि आपके पास जीरो आता है कि नहीं आता। माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस आपके पास कितना सिक्स। अब अगर हम लोग देखें तो माइनस टू का क्यूब कितना हो जाएगा, हमारे पास माइनस एट हो जाएगा, प्लस आपके पास माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, फोर थ्री सा कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस टेन प्लस सिक्स। आगे की बात को ध्यान से समझो सर, ट्वेल्व और सिक्स हमारे पास कितना हो गया, एट्टीन हो गया, तो एट्टीन और यहां पर आपके पास माइनस एट्टीन, एट्टीन माइनस एट्टीन कितना आ गया, जीरो आ गया।
तो p ऑफ माइनस टू आपके पास आ गया जीरो. इससे क्या समझे हम, इससे ये समझे कि यस x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्या लिख दूं भैया, लिख देता हूं कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. बहुत ज्यादा सिंपल सी बात थी सर, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया. क्यों नहीं आएगा, x प्लस टू हमने इसके लिए चेक कर लिया, जीरो आ गया, यस एग्जामिन हो गया. अब यहां से x प्लस टू की वैल्यू निकालो, माइनस टू आएगी फिर से, और इसमें डाल के देखते हैं अगला पॉलिनोमियल अपने पास. अब हमारे पास अगला पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को हम जी एक्स नाम दे देते हैं. क्या नाम दे देते हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर. ठीक है ना, ठीक है. फिर से वही पॉइंट लिखो कि अगर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स देन जी ऑफ माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो. होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, एग्जामिन करना है, ये होना चाहिए. तो x प्लस टू की वैल्यू आप लोग क्या निकालोगे, माइनस की टू आ जाएगी. x प्लस टू को जब आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का टू आ रही है, और यही x की वैल्यू माइनस टू हम इसमें डाल के देख रहे हैं. तो g ऑफ माइनस टू निकालो भैया, तो वो आ जाएगा टू इंटू माइनस टू प्लस फोर. माइनस फोर प्लस फोर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. इससे आप क्या बोल दोगे, इससे आप ये बोल दोगे कि यस एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स प्लस फोर या ऑफ पॉलिनोमियल जी एक्स, पॉलिनोमियल जी एक्स. जल्दी से देख लो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, है ना, पक्का. ठीक है सर, तो ये जब हम लोगों ने देख लिया, अब हमारे पास आया ये वाला क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया k की वैल्यू फाइंड करो अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यहां पर ये गिवन बोल रहा है, यहां पर ये गिवन बोल रहा है कि x माइनस वन फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू निकालो. अगर x माइनस वन फैक्टर है मतलब x की वैल्यू वन रखने पर पॉलिनोमियल पे हमने को वैल्यू कितनी मिलेगी, पॉलिनोमियल एज अ होल वहां पर जीरो मिलेगा. देखो देखो देखो, लिख रहा हूं यहां पर, यहां पर लिख रहा हूं इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर. देखो भाई मैथ्स में थोड़ी इंग्लिश भी यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना, इतना दूर दूर क्यों होगा, ये लोग नाराज हैं क्या एक दूसरे से. अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स देन यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो p1 मस्ट बी इक्वल टू कितना आपके पास, 0. ठीक है, तो डालते हैं px में, px हो जाएगा आपके पास 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नहीं है, सिंपल सी बात है. अब x की जगह पे सीधा सिंपल कितना डालना है, 1 डालना है. x की जगह पे हमें सीधा सिंपल कितना डालना है, 1 डालना है, और p1 को हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे. क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे. तो ये हो जाएगा 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के. अब यहां पर p1 अपने पास कितना है, 0 है. p1 अपने पास कितना है भैया, ये 0, ये गिवन है, क्योंकि बोल रहा है ना कि x माइनस वन अगर फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो. ठीक है सर, अब हमारे पास p1 तो कितना है, जीरो है,
वन का क्यूब तो वन मतलब फोर, वन का स्क्वायर वन मतलब थ्री, माइनस फोर प्लस के, माइनस फोर प्लस फोर कैंसल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो के प्लस थ्री बराबर जीरो, मतलब के की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का थ्री। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का थ्री, एक बार जल्दी से चेक कर लो, कर लिया क्या, आगे बढ़ सकते हैं, हो गए स्क्रीनशॉट भी सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है सर, पंद्रह ही क्वेश्चन थे, पंद्रह ही क्वेश्चन सर बढ़िया मस्त तरीके से ऐसे दिमाग में बैठ गए कि क्या बताएं। तो बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आप लोगों को प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर मैं बात करूं हमारे यूट्यूब चैनल की, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि सीधा सिंपल आपको यूट्यूब पे अगर क्वालिटी वाइज कंटेंट चाहिए तो सीधा सिंपल क्या डालना है, मैग्नेट ब्रेन डालना है, चैनल पे पहुंच जाएंगे आप लोग। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर सारे ही टीचर्स के सारे ही कॉन्टेंट अवेलेबल है, एकदम वेल मैनर अरेंज्ड फॉर्मेट में। और कम्युनिटी पे अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि वहां पर आते हैं मैग्नेट ब्रेन के अपडेट। यहाँ पर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां से आप लोग हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और ये गलत है यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और ई नोट्स और ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक चीज, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।